भगत सिंह का पूरा खानदान क्रांतिकारी खानदान था। सरदार भगत सिंह जी को सब अपना आदर्श मानते हैं, तो ये सोचते हैं कि सरदार भगत सिंह जी तो देशभक्त थे, लेकिन परिवार में कौन कौन देशभक्त थे इसकी जानकारी कई बार बहुत कम लोगों को होती है। सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह जी महर्षि दयानंद के शिष्य और बहुत बड़े देशभक्त थे। उनकी दादी जय कौर, वो जो घर में क्रांतिकारी आते थे उनकी सेवा करती थी, वो भी एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी, देशभक्त थी। उनकी माँ विद्यावती, वो देशभक्त थी। भगत सिंह के चाचा सरदार स्वर्ण सिंह, उन्होंने भी 23 वर्ष की आयु में अपनी शहादत दी थी, वो बहुत बड़े देशभक्त थे। भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह, वो बहुत बड़े देशभक्त थे। उनके ऊपर 42 मुकदमे दर्ज थे। जैसे भगत सिंह ने संस्था बनाई थी, जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत स्वाभिमान बनाया है, ऐसे ही शहीद भगत सिंह के पिताजी ने भारत माता सोसाइटी के नाम से एक संस्था बनाई थी और वो भी कई बार जेल गए थे। इसी प्रकार भगत सिंह के एक दूसरे चाचा जी थे सरदार अजीत सिंह जी। सरदार अजीत सिंह जी तो इतने बड़े देशभक्त थे कि अंग्रेजों की सरकार ने उनको देश में नहीं टिकने दिया और सबसे अधिक 38 साल का निर्वासित जीवन उन्होंने व्यतीत किया। वो एक बार जब बाहर चले गए तो आजादी के बाद ही देश में आ सके, अंग्रेजों की सरकार ने उनको नहीं दिया। इतने बड़े देशभक्त अंग्रेजों के चाचा सरदार अजीत सिंह जी थे। सरदार अजीत सिंह जी 40 भाषाओं को बोलना जानते थे, भगत सिंह के चाचा 6 भाषाओं को लिखना जानते थे। और सरदार अजीत सिंह का व्यक्तित्व तो कैसा था वो एक घटना से समझा जा सकता था। एक बार लाहौर में सरदार अजीत सिंह ने एक भाषण दिया, उस भाषण से जो हजारों लोग इकट्ठा हुआ है, एक भाषण के प्रभाव से, एक घंटे के प्रभाव से सारे लोग खड़े होकर सरकारी बिल्डिंगों को आग लगाने के लिए तैयार हो गए। ऐसी आग भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जी उगलते थे। तो पूरा खानदान क्रांतिकारी खानदान था। अब आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि भगत सिंह की के दादा सरदार अर्जुन सिंह क्या सेवा करते थे। भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से, यूनानी नुस्खों से, जो उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों को वैद्य के रूप में सेवा देते थे, भगत सिंह के दादाजी वही सेवा देते थे जो आप सेवा देते हैं। आसपास के लोगों को स्वस्थ करना, उनकी सेवा करना, किसी की हड्डी टूट गई, किसी को कोई बीमारी है, तो उस जमाने में डॉक्टर नहीं होते थे, एक वैद्य के रूप में, एक हकीम के रूप में भगत सिंह के दादाजी सेवा करते थे। भगत सिंह की माँ और भगत सिंह की दादी दवाएं बनाने का काम करती थी, रोगियों की सेवा करने का काम करती थी। और मैं ये मानता हूं कि भगत सिंह के दादा जो काम करते थे वो सब काम आज पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में आप सब कर रहे हैं। और भगत सिंह के दादा जो काम करते थे उसमें दवाइयों का नाम मात्र, कभी कभी शुल्क ले लिया तो ले लिया, किसी ने दवा ला दी, नहीं तो निशुल्क करते थे। और वही काम, सेवा का कार्य पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से, पतंजलि योगपीठ के माध्यम से देश के अंदर 5000 से अधिक चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र कर रहे हैं। इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि भगत सिंह के दादा का काम पतंजलि योगपीठ आगे बढ़ा रहा है, भगत सिंह का काम भारत स्वाभिमान आगे बढ़ा रहा है।